आज की वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली तो क्लास 10th साइंस हरियाणा बोर्ड के वो पर्सन आपको पता चल जाएंगे जो आपके साइंस के पेपर में आने वाले हैं, पक्का आने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इसके अलावा आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा एक वीडियो और मैं तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं कि भाई साइंस का पेपर तुम फोड़ के आओ। बहुत सारी वीडियोज नहीं है, सिर्फ 2-3 वीडियोज हैं, 2-3 तो कर सकते हो, उसके अंदर पूरा पेपर कवर कर देंगे। तो ये जो आज की वीडियो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर ये वीडियो आज की देख रहे हो तो 4-5 ऐसे क्वेश्चंस पक्के पता चल जाएंगे जो पेपर में आने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं और तगड़ा काम कर रहा हूँ, एक PDF डिजाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पक्का आ रहे हैं, यानी कि फिर जो है कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बता भी देता हूं, जैसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ ऐसे ही मेटल्स वाला है तो वहां पर बता दूंगा कि मेटल एक्सट्रैक्शन और गेंजू कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये पूछा जाएगा। सिर्फ ऐसे ही कार्बोनेटेड कंपाउंड है तो वहां पर बता दूंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, सोप डिटर्जेंट मिसल्स फॉर्मेशन ये पूछा जाएगा। ऐसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वहां पर बता दूंगा न्यूरोन रिफ्लेक्स आर्क ह्यूमन ब्रेन क्या पूछा जाएगा। ऐसे ही हेरिडिटी इवोल्यूशन है वहां पर बता दूंगा मेंडल्स के लो कौन से पूछे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ बता दूंगा उस वीडियो में। तो भाई तो वो वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आ रही है, बहुत अच्छी PDF तैयार कर रहा हूं ताकि तुम्हारा पढ़ने का मन करे। इसके अलावा आज की वीडियो को लास्ट तक देखो। अब आज की वीडियो की बात करते हैं, तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं, मेरे साथ सोल्व करो थोड़ा सा, फिर दे दूंगा जब मेरा मन भर जाएगा सोल्व करवाते करवाते, तो मैं तुम्हें दे दूंगा PDF, टेंशन मत लो, उसको जो है घर पे बैठ के सोल्व कर लेना। और ये क्वेश्चन पेपर अगर तुम सोल्व कर लेते हो तो गारंटी मैं ले रहा हूं भाई पेपर फोड़ के आओगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वैसे नहीं बनाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर भी अगर तुम सोल्व कर लो मन से घर पे बैठ के पूरा का पूरा ईमानदारी से, देख देख के नहीं ईमानदारी से, तो पेपर फोड़ के आओगे। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ और फिर पासवर्ड वगैरह की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले सेक्शन ए है फिजिक्स, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन छोटे छोटे मैं बता दूंगा, लेकिन तुमको बैठ के घर पे सोल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बनाया है मैंने ये तुम्हारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस जो इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, इसको जरूर सोल्व कर लेना। तो देखो पहला है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन टू ए बैंड ऑफ कलर्स मीन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अब की बार भी आ सकता है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा डिस्पर्जन। सेकेंड देखो वाट इज SI यूनिट ऑफ, वाट किसकी SI यूनिट है, रेजिस्टेंस की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, इलेक्ट्रिक करंट की है या पावर की है, तो इसका हो जाएगा पावर। थर्ड देखो फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिलिंदा ब्लैंक्स भी आएगा तुम्हारा, फिलिंदा ब्लैंक्स है ऑफ लाइट इज द काज ऑफ फॉर्मेशन रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि रेनबो फॉर्मेशन जो है किसके कारण होता है, तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ये दो ऑप्शन है उसमें से एक आंसर है डिस्पर्जन या स्कैटरिंग, बताओ कमेंट करके। अगर नहीं आएगा तुम्हें तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, कमेंट करके बताना है तुम्हें डिस्पर्जन आएगा या स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा। फोर्थ देखो व्हाट हैपन्स इन द सेकेंडरी कोयल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्राइमरी कोयल चेंज, यानी कि आपके यहाँ पर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसमें आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल, यानी कि सेकेंडरी कोयल में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन भी आ रहे हैं तुम्हारे, तो वो है देखो यहाँ पर क्या है किस टाइप का है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर द क्वेश्चन है वो है असर्शन और रीजन पढ़ते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। रीजन है द इमेज इज रियल यू ग्रेटर देन एफ एंड वर्चुअल फोर, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है और रीजन भी सही है शायद, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो व्हाई इज लाइट कॉल्ड इंडिपेंडेंशियल टूल, तो भाई लाइट जो है उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझ गए, तो इसका ये आंसर करना है, समझ गए। इसके बाद काज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का काज बताना है, समझ गए, तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होती है उसके कारण होता है। इसके बाद साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखो अनलिस्ट 4 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, तुम्हारे पेपर में कॉन्वेक्स मिरर भी आ सकता है या फिर कॉनकेव का कॉनकेव सेम टू सेम आ जाए, तो ये पढ़ लेना, पता होगा ये तो, सनग्लासेस रिफ्लेक्टर्स, समझ गए। इसके बाद ये तो कॉन्वेक्स के बता दिए मैंने, कॉनकेव के बताओ, टॉर्च हो गई, सेविंग हो गया, सेविंग मिरर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो मेन मेन है वो क्वेश्चंस तुम्हें टिक करवा देता हूँ, इन क्वेश्चंस को तो जरूर सोल्व कर लेना। ये देखो राइट हैंड थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड वाला आ सकता है तुम्हारे, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें और कुछ एक कह रहे हैं भाई पेपर में कुछ एक चीजें कट हैं। भाई देखो जो इसमें है वो तो कट है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आ जाएंगी फिर मुझे मत कहना। हाँ इनडायरेक्टली आ सकती हैं, कुछ चीजें कट हैं लेकिन वो किसी दूसरे टॉपिक के थ्रू आ सकती हैं, समझ पा रहे हो, तो पढ़ जरूर लेना। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये इस टाइप का, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वाट बैटरी, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आ सकते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना। इसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन है, देख सकते हो केमिस्ट्री के अंदर भी बता दूं ये क्वेश्चन देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये पूरा पूरा सोल्व करना है तुम्हें। मैं जो है ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ सब कुछ फ्री, तुम घर पे बैठ के करो, तुम अपने हाथ से करोगे ना भाई तो तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तभी तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, ये असरसन रीजन है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बैठा हूँ, तो मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, तुम मुझे बताओ कि भाई मुझे जो है ये नहीं आया, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहीं बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते हो इसके बाद आगे जो है ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बहुत बार आ गए ये क्वेश्चन, बहुत बार ये वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो अब की बार भी आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर स्टाइल बना दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके बाद देखो ऑटो रिडक्शन हो गया, इसके अलावा फ्लोटिंग प्रोसेस हो गई, इसके अलावा राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के बारे में है, केमिकल रिएक्शंस तो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सेक्शन सी लाइफ सेक्शन आ गई, यानी कि बायोलॉजी आ गई, बायोलॉजी में भी देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, तो इसको जरूर सोल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये देखो व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स, इंपॉर्टेंट है। स्टेट रीजंस फॉर मेंटल सक्सेस, इंपॉर्टेंट है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अब इतनी बार मोस्ट बोला है तो ये पक्का आ सकता है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, इसको जरूर कर लेना, ये जो मैं जिन पे ज्यादा जोर देता हूँ ना ये तो पक्के कर लो भाई, जिनको पास होना है वो ये कर लो सिर्फ, अगर पूरा पेपर नहीं कर सकते तो जिन क्वेश्चंस पे मैं जोर दे रहा हूँ, जो बार बार बोल के बता रहा हूँ, ये कर लो कम से कम। मैं चाहता हूँ तुम पास हो जाओ, सब कुछ फ्री दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेड पीडीएफ भी है वो भी ले सकते हो, लेकिन फ्री भी है सब कुछ, जिसको जैसे पढ़ना है वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो कम से कम। इसके बाद देख सकते हो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ठीक है। इसके अलावा ये व्हाट आर मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सट्रेटरी प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसको कर लेना, ये बायो का सेक्शन है, ठीक है। अब इसका जो है पासवर्ड बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पीडीएफ दे रहा हूँ, और अभी फाइनल पीडीएफ वाली वीडियो तो आनी बाकी है जिसमें पूरा पेपर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका पासवर्ड रहेगा 72, डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लो। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।